तो भाभी पूरी तरह रेडी हो चुकी है और वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, वैसे रात की वीडियो तो साथ। ओ बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में हमारी पूरियां बनके हो गई हैं सारी तैयार और अब कैसे हो आप सभी लोग, आए हो सारे लोग, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक नई ब्लॉग में। शाम की बज रही है अभी 4 और होके मैं तैयार जा रही हूँ कहाँ, भाभी और उनके घर। वैसे आप सभी लोगों को तो पता ही होगा आज है करवा चौथ, तो आप सभी लोगों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं जिन्होंने रखा होगा। तो अभी आज मेरी भाभी का भी व्रत रखा है, तो भाभी ने बोला था कि इधर आना है आपको, तो हम चलते हैं। मैंने सोचा कि चले ही जाते हैं और मौसम तो आप देख ही रहे होंगे, यहाँ लग रही है जोरों की बारिश। तो जोरों की बारिश तो लगी रही थी बट अभी हो गई है थोड़ा सा ठीक। ठीक क्या बोल रही यार मैं, मतलब अभी बारिश बंद हो गई है पूरी तरह से और मौसम है एकदम प्यारा सा, मतलब क्या मस्त लग रहा है चारों तरफ। हो क्या कुछ गुनगुनाया जाए फिर से। ओ बरसात के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया बोतल भी उठा लाया। वैसे ना तो मेरे पास बोतल है और ना ही मैं तन्हाई में हूँ, एकदम मस्त हूँ और स्वस्थ हूँ। तन्हा क्यों ही रहना है, तो ज़्यादा लेट नहीं करते भाई, 5 तो मुझे रास्ते में ही बच गई है। चलते हैं हम फटाफट अपनी भाभी औरों से मिलने और देखते हैं उनका लुक कैसे लग रहे हैं वो आज, क्योंकि आज बहुत प्रीटी प्रीटी लगते हैं ना सारे लोग इसलिए। वैसे ये छाता मैं बेकार में ही लाई क्योंकि बारिश हो चुकी है बंद और हाथ बहुत ही ज़्यादा दुखता है इसको रख रख के। तो हम आ चुके हैं ताई औरों के घर पे और अभी है घर पे बस ताई, क्योंकि मतलब भाभी तो चली गई है ऊपर कीर्तन में और हमारा चल रहा है यहाँ पे ताई और मेरा फोटोशूट। अभी ताई को मतलब फोटो वीडियो बनाने का बहुत शौक है। ताई कुछ बोलोगे नहीं आप, बहुत दिन बाद दिख रहे। तो भाभी भी कीर्तन से आई गई है और अब हमारी तैयारी है, सबका खाना बन गया, मतलब रात की कितनी बज रही है अभी 6:30 से ऊपर हो गए। तो अभी तक हम लाइव चल रहे थे तो सब ने मतलब वो जो भी थे सबका तो खाना बन गया है, लेकिन हमारी तैयारियां अब चल रही है। तो आज मुझे मौका मिला है भाभी के साथ हेल्प करने का, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ भाभी कुछ करनी ही नहीं देती, लेकिन आज फर्स्ट टाइम। और वैसे यहाँ ठंड बहुत ही ज़्यादा हो गई, जब आ रही थी तब यही था और अभी इतनी ठंड हो रही कि मैंने कहा कि भाभी स्वेटर दे दो अब आप मुझे। वैसे अभी अभी बारिश भी आई तो अब ज़्यादा देर क्या ही करना, फटाफट करते हैं हम काम। तो आटा वाटा तो गूंद लिया है, अब बात यह है पूरी बनाने की जिसमें भाभी टलेंगी और हम बेलेंगे, तो फटाफट ये काम भी कर लेते हैं। वैसे फटाफट तो क्या ही करना, वैसे चांद तो आएगा 11:10-10:30 के बाद ही, तो अभी काफ़ी टाइम है, अभी 6:30 से ऊपर ही हो रहा बस, मतलब 2-3 घंटे पूरे हैं अभी हमारे पास, लगे रहते हैं हम आराम से। तो हमारी पूरियां बन के हो गई हैं सारी तैयार और अब तो ये तो बन ही गया है, अब बनेंगी, थोड़ा सा आटा बचा हुआ है इससे बनाएंगे हम रोटी, उसके बाद थोड़ा सा हलवा, उसके बाद ये बनेगी हमारी पकौड़ियाँ। तो बने रही है हमारी वीडियो में कि आज हम क्या क्या बना रहे हैं। तो रात की बज रही है अभी 8:30 और जैसे कि आप देख रहे हो सारे लोग रेडी होने, सब अभी रेडी हो रहे होंगे, मतलब जिनका भी आज व्रत है। तो हमारी भाभी जी भी पूरी रेडी हो चुकी हैं और अब हम आपको दिखाते हैं उनका लुक कैसा है, तो वो तो काफ़ी प्यारा है और आपको भी वीडियो में दिखी जाएगा। तो हम फटाफट पहले भाभी की भी वीडियो बना लेते हैं।
और वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, वैसे रात की वीडियो तो साफ आती भी नहीं आई, लेकिन देख लो चांद, चांद जब आएगा तब आएगा, नियन दो चांद भूखी रहेगी बांध। ओ भाभी रेडी हो चुकी हैं, और रेडी करा है किसने, मैंने तो किया नहीं है, भाभी खुद ही हुई है, और वैसे काफ़ी प्यारी लग रही है। वैसे हमारा खाना तो हो ही गया है, अब बस वेट है कि कब चांद निकलेगा। रो खाना बन गया है, बोला बन गया बन गया है। हम जरा भाभी जी से पूछते हैं, भाभी जी आज आपको भूख भी लग रही है, अभी भूख भी लग रही, भूख भी लग रही यार, मुझे तो बहुत भूख लगती है, वो भी दिन भर में ना लगे मुझे, मतलब दिन भर में मैं वैसे रह लूँगी भूखी, बट रात को मुझसे रहा नहीं जाता, मुझे जल्दी खाने की आदत जो है। तो हम नीचे ही लगे थे, और भाभी जी ने अभी देखा इनके गांव में तो चांद आ ही चुका है, मतलब मायके में, तो हम अब कर रहे हैं तैयारियाँ, अभी तक नीचे ही थे, अब चलते हैं ऊपर छत में, चांद तो अभी यहाँ निकला नहीं, और मतलब हम जा रहे हैं ताई और उनके पुराने वाले घर पे, हम सोच रहे हैं क्या पता वहाँ से दिख जाए, वैसे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होगा, अगर ये क्या है पीछे से, चांद तो नहीं है, ओ नो चांद नहीं है, वो लाइट है, मैंने सोचा चांद आ गया पीछे से, तो चलते हैं हम उधर और देखते हैं क्या होता है, वीडियो बनेगी या नहीं, क्योंकि अंधेरा है पूरा। अली तो फाइनली 10 बजे आ चुका है चांद, वो भी थोड़ा सा ही दिखाया है, पता नहीं छत से दिखेगा या नहीं, तो हम ले जाते हैं फटाफट पूजा का सामान, और भाभी जी फोटो लाना ही भूल गए, खुद आ गए सारा सामान लेके, फोटो नहीं लाए, फोटो तो है चांद, तो आ चुका है चांद और पूरा चांद निकल चुका है, वाह दीदार हो गया चांद का, और ये है हमारे वाले चांद। तो चांद तो पूरा दिख ही रहा है, वेट सही टाइम पे। वाह क्या सीन है, एक नज़र ज़रा इनको भी देख लो। चलो भैया का तो समझ आता है, इनकी शादी हो चुकी है, पता नहीं हमारे जॉली भाई किसकी लाइफ का रिचार्ज कर रहे हैं अभी से, पर खैर आप बस इनके मजे लो भाई, क्या मस्त लग रहे हैं दोनों के दोनों भैया। पूजा करके आए हैं हम अभी, और अभी टाइम हो रहा है मतलब 10:13, अभी 10:30 से थोड़ा 2-3 मिनट आगे, तो क्या ही बोले, अब खाने का टाइम हो ही गया है, और हमने सोचा अब खा ही लेते हैं, क्योंकि 11 तो बजने ही वाली है, सोते सोते आज मुझे लग रहा 12 तो बज ही जाएंगी, 12 क्यों, हाँ 11:30 से ऊपर, तो यहाँ पर चल रही हैं हमारी खाने की तैयारियाँ। तो आज का दिन तो बहुत ही मस्त रहा है सुबह से लेके अभी तक, तो आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे ख़त्म, और मिलते हैं कल के ब्लॉग में, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, तब तक के लिए बाय बाय, आप भी स्वस्थ रहे एकदम मस्त रहे, और क्या ही बोले, बस वीडियो को इन्जॉय करो और लास्ट तक देखो।